हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास. ओके, सो माय सेल्फ अवनीश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मैथमेट्री लाइव स्टडी. बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्लास ट्वेल्थ में आप लोगों को कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, है ना. बहुत लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि कौन सा नोट्स रिफर करें, या फिर किसी से मांग लाते हैं नोट्स, कोई और बुक ले लेते हैं किसी क्लासेस का नोट्स, है ना. बहुत सारे नोट्स वगैरह बुक आप जमा कर लेते हैं, फिर क्या होता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस बुक से क्या पढ़ा है, है ना. जब रिवीजन का टाइम आता है तो आप लोगों को याद ही नहीं था किस बुक से मैंने कितना पढ़ाई किया है ना. फिर नोट्स जमा करो, 10-20 बुक एक ही साथ मिला के आप लोग फिर पढ़ना चालू करते हो. बच्चों, ये तरीका जो है ना, मेरे हिसाब से गलत है और सभी के हिसाब से ये तरीका जो है गलत होगा. क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आपके पास एक सब्जेक्ट की 10 से ज्यादा बुक है तो आप बर्बादी की राह पे चल रहे हो. अब ये सेंटेंस कितना करेक्ट है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सेंटेंस जो है ना आज की कंडीशन को दिखाने की कोशिश करता है कि आप बहुत ज्यादा बुक रिफर्स करेंगे ना तो बच्चों आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा. तो उसी का सॉल्यूशन मैं लिख आया हूं बच्चों कि आप लोगों को कौन सी बुक जो है रिफर करनी चाहिए, है ना. तो वीडियो आप एंड तक देखिए, आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए आप लोगों को. ओके, तो मेरे हिसाब से बच्चों आप लोगों को जो बुक रिफर करनी चाहिए वो जो सबसे पहली बुक है आप लोगों की, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. बच्चों बहुत अच्छी बुक है, है ना. ये बुक के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते. इस बुक में बहुत ही अच्छे कंटेंट दिए हुए, है ना. मैं खुद जब पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ या फिर कहीं ऑफलाइन कोचिंग में या फिर कहीं पे भी अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मैं गवर्नमेंट बुक को जरूर रेफर करता हूँ. मैं उसमें भी अच्छे खासे एग्जाम्पल दिए हुए. अच्छा, मेरा पढ़ाने का जो मेथड है, मैं CBSE बुक से भी रेफर कर लेता हूँ, है ना. तो वो मेरे लिए हेल्प हो जाती है. अब मुझे पढ़ाना है तो ऑब्वियसली मुझे आप लोग से थोड़ा ऊंचे लेवल तक जाके ही पढ़ाना पड़ेगा, है ना. मुझे थोड़ा ऊंचा लेवल तक जाके पढ़ना पड़ेगा तो ही मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ. लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को CBSE की बुक रिफर नहीं करनी है. आप लोगों को आपके महाराष्ट्र बोर्ड की गवर्नमेंट बुक जो है आप लोगों को वो रिफर करनी है. बच्चों इनफ कॉन्टेंट है ना. मैं ये नहीं बोलूंगा कि CBSE से कंपेयर नहीं करूंगा मैं, लेकिन हाँ, अच्छा खासा कंटेंट जो है इसमें दिया हुआ, आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी. क्या टॉपिक है, कैसे टॉपिक है, एग्जांपल भी इसमें कुछ कुछ अच्छे दिए हुए, है ना. प्रॉपर डिटेल में समझाया हुआ है. ओके, तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है ये गवर्नमेंट बुक को रिफर करना है और पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लेना आप लोगों को अपने पेट में, है ना. तो पहला स्टेप क्या हो गया, आप लोगों को गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक रिफर करना है. दूसरा स्टेप आता है बच्चों आप लोगों का नोट्स, है ना. तो ये आप लोगों को नोट्स रिफर करना है. कौन सा नोट्स? सबसे बेहतरीन नोट्स जो होता है ना वो होता है सेल्फ मेड, है ना. ये नोट्स जो आप रिफर करना चाहते हो ना, ये जो आप अपने आप से बनाओगे ना, वो नोट सबसे बेहतरीन होगा. अब ये नोट आपको कहां से मिलेगा, है ना. सबसे पहला काम देखो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कोचिंग मटेरियल होगा, है ना. आप उस कोचिंग से जब आप पढ़ते रहते हो, वो कोचिंग वाले नोट्स देते हैं, है ना. वो जब कोचिंग वाले नोट्स देते हैं तो जब आप पढ़ते हो तो वो नोट पढ़ के आप अपना नोट बनाइए, है ना. वो सबसे बेस्ट नोट होगा. या फिर कोचिंग का ही नोट्स रिफर कर लीजिए आप लोग. अगर आप लोगों को नहीं बनाने का नोट मन कर रहा है तो आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उस कोचिंग का नोट्स आप देख लीजिए. दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि क्या पता आप कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हो, है ना. तो जब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो जो यूट्यूब का जो ट्यूटर होगा, सपोज कर लो आप मुझसे पढ़ रहे हैं या फिर किसी और अच्छे ट्यूटर से पढ़ रहे हैं, तो वो सर आप लोगों को नोट्स देगा. मैं नोट्स दूंगा, मैं उसकी गारंटी देता हूं मैं. तो वो मेरा नोट्स रिफर करिए. या फिर जब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो जब आप पढ़ रहे हैं उस वक्त आप नोट्स बनाते हुए चलिए. उस वक्त क्या करिए, आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिए. तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा स्टडी में, है ना. तो पहला स्टेप क्या करना, आप लोग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है वो आप लोगों को पढ़ना है, महाराष्ट्र बोर्ड की. दूसरा आपको नोट्स बनाने का है. नोट्स आप सेल्फ मेड खुद बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आप लोगों को कोचिंग का जो नोट्स मिलेगा वहां का नोट्स रिफर कर लीजिए. आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो वो जो यूट्यूब से पढ़ रहे जिस भी ट्यूटर से, उस ट्यूटर का नोट्स रिफर करिए या फिर खुद बनाइए, है ना. तो ये दो स्टेप हो गया. बच्चों तीसरा मैं आप लोगों को रिफर करूंगा नवनीत और टारगेट का डाइजेस्ट. ये आप लोग बच्चों इतनी बुक आपके पास होनी चाहिए. नवनीत और टारगेट का डाइजेस्ट आपके पास होना चाहिए. अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये दोनों तो समझ में आता है, ये कहां से आ गया,
मैं आप लोगों को एक इन दोनों के बारे में खासियत बताता हूँ बच्चों। आपकी जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ना थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स भी है, लेकिन बच्चों न्यूमेरिकल जो है ना इनफ नहीं है, न्यूमेरिकल जो है इनफ नहीं है बच्चों। सपोज कर लीजिए कोई भी चैप्टर उठाइए, उस चैप्टर में हार्डली हार्ड आप लोगों को 12, 15, 18, 20, 22, 23 न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो एक चैप्टर का 20, 22, 23, 25 न्यूमेरिकल कर लेने से आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है नहीं। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा मालूम है, और ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये आप लोगों को नवनीत और टारगेट में मिलेगा। मोस्टली टारगेट में जो है ना बच्चों, टारगेट में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स मिलेगा आप लोगों को, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा, और टॉपिक वाइज मिलेगा। आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स रहेंगे, 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का, ऐसे न्यूमेरिकल आप लोग को दिया जाएगा। नवनीत में भी है बच्चों। मैं टारगेट और नवनीत दोनों इसलिए मैं रिफर करने के लिए बोल रहा हूँ, नवनीत जो है ना खास अपने महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, नवनीत जो है ना अपने खास महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। टारगेट जो है ना सीबीएसई बोर्ड को भी थोड़ा पॉइंट करती है, तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में आप जा पाएंगे। जो क्वेश्चन आंसर होते हैं इसमें बच्चों, वो क्वेश्चन आंसर को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। किस बुक में? टारगेट। नवनीत भी ठीक है, न्यूमेरिकल्स दोनों में अलग अलग भी मिल जाएंगे आप लोगों को, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो सेम होंगे और कुछ न्यूमेरिकल जो है वो डिफरेंट होंगे। तो आप लोगों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट बुक की न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और इन दोनों बुक के भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करना है, और थ्योरी आप लोगों को पढ़ना है तो मैं रिफर करूंगा, आप नवनी से भी पढ़ लेंगे तो चलेगा, या फिर टारगेट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको किसी भी बुक से रिफर करना है वो एक बुक का रिफर कर लीजिए आप लोग। लेकिन जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ बच्चों, न्यूमेरिकल आप लोगों को यहां से भी सॉल्व करना है। नवनीत और टारगेट दोनों के न्यूमेरिकल्स उठाइए और दोनों के न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। और बच्चों ये जो कोचिंग मटेरियल आप लोगों को मिलेगा ना, इसमें भी न्यूमेरिकल्स होगा बच्चों। ये आप जहां पे भी क्लास वगैरह कर रहे होंगे, ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, किसी भी क्लास में आप कर रहे होंगे, तो आप लोगों को वहां पे भी मटेरियल में न्यूमेरिकल्स मिलेगा बच्चों। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग वहां से भी सॉल्व करिए। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों कि क्या सर इतना न्यूमेरिकल के पीछे पढ़ो, यही बेस है बच्चों, न्यूमेरिकल ही बेस है। माना आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल थ्योरी आएगा और न्यूमेरिकल जो है थोड़ा कम होगा, लेकिन फॉर द सीईटी पर्पस, फॉर द एंट्रेंस पर्पस, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही होगा बच्चों, है ना। जैसे कि 40 मार्क का अगर सीईटी का पेपर है तो 40 में से ना मोर देन 30 मार्क का क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल ही होगा, 32-35 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल ही होते हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और न्यूमेरिकल से ही आप लोगों का चैप्टर जो है मजबूत होगा। क्यों ऐसा? जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना बच्चों, तो आप ना तब आप उस समय ना रट्टा नहीं मार रहे होते हो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो तब आप रट्टा नहीं मार रहे होते हो, तब आप अपना दिमाग जो है ना उस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर रहे होते हो, है ना, तब आप सोच रहे होते हो। और जब जहां पे इंसान सोचता है ना तब सॉल्यूशन मिलता है उसको, आप सोचोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा ना। जैसे कि सपोज कर लो आज आप लोगों को 1000 रुपया मैं बोल दिया कि आज कैसे भी करके आप 1000 रुपया जमा करके लेके आओ, आप क्या करोगे मालूम है? हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आप क्या करो, सोचना चालू करो कि अरे मैं यहां पे जा सकता हूँ, वहां पे जा सकता हूँ, यहां पे कर सकता हूँ, वहां पे कर सकता हूँ, 10 बार 20 बार 50 बार दिन भर सोचते रहोगे, कहीं ना कहीं से वो 1000 रुपया आप लोगों को मिल जाएगा। तो वैसे ही जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना बच्चों, तो आप सोचना चालू करते हो, और जब आप सोचते हो ना तब आप लोग वो याद करते हो जो आप लोग ने पढ़ा है, उससे पढ़ा है, किसी ऑनलाइन ट्यूटर से पढ़ा है, ट्यूशन से पढ़ा है, या फिर किसी और ट्यूटर से पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, क्लासेस में पढ़ा है, कहीं से भी आपके दोस्त नहीं पढ़ाया है, तब आप सोचना चालू करते हो, है ना, तब आप क्या करते हो, सोचना चालू करते हो। जैसे कि देखो दो लोग में जब डिबेट होती है ना, तो जब आप घर पे चले जाते हो तब आप लोगों को ना कुछ पॉइंट्स याद आते हैं, है ना। जैसे कि सपोज कर लो मैं और मेरा फ्रेंड जो है किसी पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे, मैं भी बोलता हूँ, वो भी बोलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैशी पॉइंट होते हैं ना, वो हम लोग घर पे जाते हैं तब याद आता है। अच्छा, घर पे जाके क्यों याद आता है बच्चों? हम लोग उस टाइम वो सोचते रहते हैं कि अरे यार इससे मेरा बहस हुआ, मैं ये बोल सकता था, वो बोल सकता था, तब आप लोगों को पॉइंट्स जो है आते दिमाग में। तो जब आप सोचते हो ना, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तब आप सोचते हो, और जब आप सोचते हो तब कॉन्सेप्ट जो है ना रिकॉल होना स्टार्ट होता है, और जब एक बार सोच के कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में घुस गया ना तब वो नहीं निकलता है, तब वहां पे बोला जाता है कि कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है। इसीलिए मैं बोलूंगा बच्चों कि आप जो है न्यूमेरिकल पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, थियरी आएगा तो ही न्यूमेरिकल आएगा, थियरी आएगा
तो ही न्यूमेरिकल आएगा। थ्योरी भी पढ़िए और उसके बाद न्यूमेरिकल करके उस चैप्टर को मजबूत करिए, वो ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहेगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ के आगे चले जाओगे, थोड़े दिन के बाद वो पूरा फ्लैश हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व किए रहोगे, आप लोगों के दिमाग में वो बैठा रहेगा। ओके, तो ये तीन चीजें मैं आप लोगों को रिफर करने बोलूंगा। तीन क्या, चार हो गया मेरे हिसाब से, एक ये हो गया, दो तीन चार, ये चार चीजें जो है आप लोगों के बुकलेट में होनी चाहिए। इतना आप लोगों को फिजिक्स के लिए करना है, इससे ज्यादा करना है क्या? अगर आपके पास टाइम मिलता है तो करिए, है ना, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो करिए। क्या क्या रिफर करिए मालूम है? फिर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा बच्चों डीसी पांडे, है ना, डीसी पांडे। मैं इसको आप लोगों को दोनों चीज के लिए भी रिफर कर सकता हूं, मैं थियरी एज वेल एज न्यूमेरिकल के लिए भी, थियरी और न्यूमेरिकल। इसमें ना कुछ कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो भी आप देख सकते हो बच्चों, न्यूमेरिकल्स, है ना, थियरी भी आप यहां से देख सकते हो। क्यों मैं यहां से रिफर करने बोल रहा हूं बच्चों, मैं भी पढ़ाता हूं ना डीसी पांडे से, मैं भी यहां से पढ़ाता हूं, है ना, बहुत सारे एग्जांपल। अगर आप मेरे 11th के एग्जाम, 11th के जॉब थियरी देखोगे ना, तो वहां से मैंने डेफिनेशन उठाया, वहां से भी मैंने कुछ एग्जाम्पल उठाया, तो डीसी पांडे का थियरी जो है आप लोगों को काम आ सकता है। और वहां पे जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं, आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। तो इतना आप लोग के होना चाहिए। और ज्यादा जानना है एचसी वर्मा ले लो, उसमें भी कुछ थियरी है, उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। पूरा तो मैं नहीं बोल रहा हूं मैं बोर्ड के लिए, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करिए वहां से, है ना, तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी बच्चों। इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों कि अगर आप बहुत सारा नोट्स लेके इकट्ठा करोगे तो क्या होगा मालूम है? वो जमा तो होगा लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं बच्चों, है ना। बहुत ज्यादा आप नोट्स मत इकट्ठा करिए, एक ही नोट्स इकट्ठा करिए, क्योंकि जितने भी लिखा है ना, आपने बनाया हो या फिर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है या फिर कोचिंग का मटेरियल जो मिला हो यहाँ पे, यहाँ से जो भी है, उन सबने सोच समझ के बनाया बच्चों। आपने भी अपना नोट्स बनाया ना, तो आपने भी अपना नोट जो है सोच समझ के बनाया, अपनी लैंग्वेज में बनाया उसको, जो आप समझ सके, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है ना। अगर आप किसी अपने दोस्त के घर गए, अगर आप अपने दोस्त के घर पे देखो जाते हो ना, तो उसका अपना दोस्त देखो कैसा बुक ऐसा रखा रहता है, अपन टेंशन में जाता है, अरे यार इसके पास इतना सारा बुक है, बहुत सारा पढ़ता रहेगा। टेंशन मत लो, आपका टेंशन वहीं पे रिलीज हो जाना चाहिए, ये कुछ नहीं पढ़ता है, इसको कुछ नहीं आता है, उससे तो दूर ही रहने का है आप लोगों को। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बुक रिफर नहीं करनी है, इतना इनफ है, इतनी बुक जो है इनफ है, यहां तक ये तीन आपकी बुक में होनी चाहिए, है ना। अगर फर्दर डिटेल, अगर और ज्यादा थ्योरी पढ़ेगा, डीसी पांडे भी आप रिफर कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेफरेंस बुक, है ना, ये बुक आप लोगों को रिफर करनी है। तो बच्चों यहां तक आपका वीडियो था, थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को और दे देता हूं। 11 अप्रैल से हम लोगों का क्लास स्टार्ट होगा, 11 अप्रैल जो मंडे है उस दिन से क्लास स्टार्ट करूंगा मैं। पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा रोटेशनल डायनामिक्स। टाइमिंग होगा बच्चों रात के 9 बजे, टाइमिंग होगा रात के 9 बजे या 9:15, 9 से 9:15 के बीच में मेरी क्लास होगी, या तो 9 या तो 9:15। मैं आप लोगों को टाइमिंग जो है पोस्ट कर दूंगा, कहां पे पोस्ट करूंगा, विवेक सर एक वीडियो भी बना के डालेंगे, प्रोमो वीडियो रहेगा, आप लोग वो देख लेना, उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में सारा टाइम टेबल रहेगा, कितने दिन मेरी क्लास होगी, कितने बजे होगी, और भी मैं टाइम टेबल सब डाल दूंगा कहां पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैथमेट्री अंडरस्कोर स्टडी, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं आप सर्च करना टेलीग्राम पे मैथमेट्री अंडरस्कोर स्टडी, आप इसको सर्च कर लीजिए, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और पिन कमेंट में भी पिन कर दूंगा मैं। ओके, वहां से आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर का टाइमिंग और लेक्चर का डेट आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए जिनका एग्जाम लिया उनको बेस्ट ऑफ लक, और जो जिनका एग्जाम नहीं है रिलैक्स करिए 4-5 दिन, अगर मुझसे पढ़ना है तो, कहीं और से पढ़ रहे हो तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अगर आपको मुझसे पढ़ना है 3-4 दिन और रिलैक्स करिए, फिर उसके बाद मिलेंगे 11 तारीख को ठीक 9 या 9:15 बजे फिजिक्स के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मास्टर अवनीश मिश्रा साइनिंग ऑफ।